हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिब अली और आप देख रहे हैं बूस्टेक इन स्टडी। तो इस चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज के लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ अप्लाइड मैकेनिक्स का एमसीक्यू क्वेश्चन, जो इस बार बीटीयू की पॉलिटेक्निक सेमेस्टर में पूछा जा रहा है। तो बने रहना वीडियो के अंत तक, और वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक और आपको बात बताना चाहता हूं कि न्यू यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी यूट्यूब से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि इस बार आपकी स्टडी के साथ साथ आपकी टेक्निकल वीडियो भी मिलते रहता है। तो चलिए वीडियो को अब आप शुरू करते हैं, और आपके बिना वक्त जाए किए हुए आपको ये शेयर स्क्रीन करता हूं। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर वन जो आपको यहां पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर वन आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे कार्य का यूनिट क्या होता है। आपको यहाँ पे बेसिक नॉलेज है, ये आपको कार्य का यूनिट क्या होता है ये आपको बताना है। तो कार्य का यूनिट आपको आंसर नंबर ए जैसे नीचे आपको दिख रहा होगा डाउन में, जूल होता है, जूल का यूनिट कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जूल होगा। क्वेश्चन नंबर दो आपको बताइए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी, समय, प्रकाश धारा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखें, ये हमेशा दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष दूरी मतलब दूरी का में को मापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है प्रकाश वर्ष का। तो क्वेश्चन नंबर दो का ऑप्शन नंबर ए दूरी राइट आंसर होगा, जैसे यहाँ पे आंसर ए दिख रहा है। इसमें आपको बताना है, यहाँ पे तीन ही ऑप्शन आपको दिया गया है, बल्कि एसआई यूनिट क्या होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी मतलब बहुत से लोग जानते भी होंगे, बल्कि एसआई यूनिट क्या होता है, कई बार आप लोग इसे नाम कितने लोगों नाम लेते हैं और उनको मालूम नहीं रहता है कि ये नाम क्यों पड़ा इसका, तो वो छोड़िए, आपको यहाँ पे बताना है बल्कि एसआई यूनिट क्या होती है, तो न्यूटन होता है, इसलिए बल्कि एसआई यूनिट न्यूटन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, यहाँ पे आपका पार्सेक क्या इकाई क्या है, मतलब पार्केस किसकी इकाई है। तो आपको यहाँ पे बताना है दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का, चमकी बल्ब का। तो यहाँ पे आपको आंसर नंबर ए जिसे नीचे दिख रहा होगा आपको, आंसर जो टॉपिक ए है, दूरी का ये यूनिट होता है पार्सेक, और प्रकाश वर्ष दोनों ये दूरी का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फोर का। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, जूल निम्नलिखित इकाई है, जैसे क्वेश्चन नंबर वन में आपको जस्ट उल्टा कर दिया है, उसमें जूल कार्य का मात्रक था, तो इसमें आपको जूल किसका यूनिट है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का होगा, इसलिए कार्य और ऊर्जा कोई भी ऊर्जा हो। तो नंबर सिक्स देखिए, ये कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सी अभिमीय राशि किसका डायमेंशन नहीं होता है, इसको आपको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर चार आपको दे दिया गया है, जैसे पहला है विकृति, श्यानता गुणांक, गैस नियतांक, प्लांक नियतांक, इसका आपका दे दिया गया है, और यहाँ पर बताना है आपको डायमेंशन किसका नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका डायमेंशन विकृति का नहीं होता है, तो राइट आंसर ए विकृति होगा, क्योंकि श्यानता गुणांक का भी मात्रक होता है, गैस नियतांक का भी मात्रक होता है, प्लांक नियतांक का भी मात्रक होता है, यूनिट होता है, इसलिए इसका डायमेंशन निश्चित रूप से होगा, और विकृति का आपका डायमेंशन यूनिट नहीं होता है, तो इसके इसका डायमेंशन भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको ये पूछ रहा है कि पार्श्व निम्नलिखित में से कौन से एक सदिश राशि है। तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन आपको उल्टा पूछ दिया गया है, यहाँ पर आपको रहना चाहिए था निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ये पूछ दिया गया है कि कौन सी एक सदिश राशि है, तो यहाँ पे आपको एक वर्ड छूट गया है, उसके लिए यहाँ पे ध्यान आप लोग रखें, क्योंकि यहाँ पर आपको पूछना चाहिए था निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, तो आपको यहाँ पर राइट आंसर होता आयतन। आयतन आपका सदिश राशि नहीं है, वो अदिश राशि है, क्योंकि यहाँ पर विस्थापन, बल, वेग ये तीनों सदिश राशि हैं, इसलिए राइटली आपका आंसर आयतन होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, क्वेश्चन आपको पूछ क्या रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर सेवन का डी राइट आंसर होगा, सदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन नंबर एट की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, मतलब एसआई जो पद्धति है, जो इंटरनेशनल जो एसआई यूनिट इस समय का जो चला जाता है, तो आपको बताना है कब से लागू हुआ था,
तो आपको यहाँ पे बताना 69 71 83 91, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। 69 में लागू हुआ था, 69 में नहीं, आपको यहाँ पे 71 में लागू हुआ था, जैसे यहाँ पे 1971 में आपको लागू किया गया था मातृकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी, 1971 में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, मतलब आपको बताना है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, खून में हीमोग्लोबिन या पेशाब में, वातावरण में, वायुगुण में। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा डेसिबल सी, जो वातावरण में ध्वनि जो होती है उसको नापने के लिए डेसिबल में हम लोग नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं वातावरण की ध्वनि को। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है आपसे ये कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो जैसे वहाँ पर मैंने लंबाई का बताया था, यहाँ पे आपको पूछ रहा है समय का मात्रक नहीं है, तो डेफिनेटली आपका राइट आंसर प्रकाश वर्ष होगा, क्योंकि ये दूरी का मात्रक होता है, इसलिए राइट आंसर सी होगा, ये समय का मात्रक नहीं बल्कि दूरी का मात्रक होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ये पूछ रहा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, संवेग आपको पूछ रहा है और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जाती है, वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा जैसे नीचे आप देख रहे होंगे सी होगा, द्रव्यमान। कोई भी आपसे पूछ दे पदार्थ और वेग के अनुपात की कौन सी राशि भौतिक राशि पदार्थ हमले प्राप्त होती है, तो वो द्रव्यमान होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखिए, ये कह रहा है पलाक के अचर में, मतलब पलाक के अचर में किसका आयाम होता है, पलाक मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके अचर में किसका आयाम होता है, ऊर्जा का, रैखिक गति का, कोणीय गति का, कपल गति का। तो यहाँ पे आपका सी होगा राइट आंसर, जैसे नीचे आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, पलाक के अचर में किसका आयाम होता है, कोणीय गति का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये आपसे पूछ रहा है बादल क्या, मतलब कारण और क्या कारण है से वायुमंडल में तरते रहते हैं, मतलब वायुमंडल में बादल क्यों हमारे ठहरते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो निम्न दाब के कारण, निम्न घनत्व के कारण। तो ये आप लोग डेफिनेटली राइट आंसर, ये जीके में बार बार पूछा जाता है कि क्या कारण है कि बादल हमारे वायुमंडल में तैरते रहते हैं, मतलब दिखाई देते हैं ऊपर की तरफ, नीचे क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो इसका निम्न यही कारण है, उसका घनत्व बहुत कम होने के कारण वो ऊपर ही रहते हैं, नीचे नहीं आ पाते हैं। जिसका घनत्व ज़्यादा रहता है वो नीचे रहते हैं, जिसका घनत्व कम रहता है वो ऊपर रहते हैं। तो जैसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, निम्न घनत्व वाले ऊपर रहेंगे हमेशा और उच्च घनत्व वाले नीचे रहेंगे। तो ये आपका डेफिनेटली मतलब एक सटीक आंसर आपका होगा, बादल क्या कारण है कि वायुमंडल में तैरते रहते हैं, तो निम्न घनत्व के कारण वो ऊपर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये क्या पूछ रहा है आपसे, वस्तु की मात्रा बदलने पर, मतलब वस्तु के पदार्थ को बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या परिवर्तित वस्तु की मात्रा बदलने पर, यहाँ पे कुछ और रहना चाहिए लेकिन यहाँ पे कुछ और ही दे दिया, घनत्व की मतलब मात्रा वो होता है उसकी जो उसमें पदार्थ रहता है तो अपरिवर्तित रहेगा, उसका घनत्व मतलब जो उसकी चारों ओर उसकी स्फीयर है, जो उसकी आकार है वो आपकी वैसी वैसी रहेगी, सिर्फ उसकी मात्रा, मतलब मात्रा होता है आपका परिमाण, जैसे परिमाण आप लोग होते हैं वैसे परिमाण मतलब बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, क्या परिवर्तित, घनत्व तो आपका परिवर्तित रहता है, आयतन आपका बदल जाएगा, भार भी उसका बदल जाएगा, द्रव्यमान भी बदल जाएगा, घनत्व तो वैसे के वैसे ही रहेगा, जिस तरह के आकार के पहले था वैसे के वैसे ही रहेगा, भले उसकी मात्रा बढ़ा या घटा दी जाए उससे कोई इस पर निर्भर नहीं करता है घनत्व का। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, घनत्व। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है आपसे, साबुन द्वारा निर्मूलन का क्या सिद्धांत है, यहाँ पे आपको बताना है साबुन द्वारा निर्मूलन का क्या सिद्धांत, ये आपको फिजिक्स में मिलता रहता है, ये सिद्धांत है साबुन द्वारा निर्मूलन का, निर्मूलन आप लोग पढ़े होंगे, निर्मूलन होता क्या है, तो ये बताने वाला चीनी इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए हम लोग सबसे ध्यान आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ बढ़ाएंगे कि एमसीक्यू क्वेश्चन आपको कैसे करेंगे।
तो जो साबुन दो को बुलबुले जो आपको बनते होते हैं वो किसके कारण होता है, वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, पृष्ठ तनाव जो आपके निर्मलन होते हैं सिद्धांत, वो पृष्ठ तनाव के कारण ही उससे हम लोग पृष्ठ तनाव के कारण ही उसे निर्मलन का सिद्धांत हम लोग देते हैं। तो कौन सा है, वो पृष्ठ तनाव है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में ये आपसे पूछा है कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किसका, ये तो बहुत ही आपको ये भी पृष्ठ तनाव ही होता है, वो भी मतलब बूंद के आकार ये किसके कारण बन जाता है आपके बूंदे, तो पृष्ठ तनाव के कारण बूंदे बन जाता है, फिर से बाद में वो फूट भी जाता है, तो वो किसके कारण होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि आकार गोलाकार किस कारण से होता है, मतलब क्यों नहीं वो और भी आकार में आता है, क्यों गोलाकार ही में रहता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, पृष्ठ तनाव होगा, सरफेस टेंशन इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, जैसे नीचे आपको दिख रहा होगा आंसर बी राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, श्यानता की इकाई क्या होती है, ये देखिए पोइज होता है, पास्कल होता है, पविजुली होता है, कोई नहीं होता है, तो पोइज होता है। अब पविजुली पता नहीं किसका यूनिट है, लेकिन मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इसका बता दूंगा कि पविजुली किसका यूनिट है, मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन पोइज आपका श्यानता का यूनिट होता है और पास्कल आपका दाब का यूनिट होता है, और कोई नहीं, तो इसमें कोई नहीं, कोई बात ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, पोइज होता है, श्यानता का इकाई होता है पोइज। क्वेश्चन नंबर 18 ये आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रत्यास्थ है, मतलब किसका फैलने की, किसका मतलब तनाव ज़्यादा, मतलब पीटने से या कुछ कार्य उससे करने से उसमें तनाव ज़्यादा आता है, कि उसमें तनाव बल ज़्यादा लगता है, तो किस में लगता है, रबड़ में, कि गीली मिट्टी में, कि स्टील में, कि प्लास्टिक में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, स्टील होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। इसलिए स्टील को कितना भी जितना भी पीटा जाए वो अपने जितना वो बहुत ज़्यादा फैलता है, और फैलने की वजह से ही हम लोग उससे कई तरह की वस्तुएं भी बनाते हैं, तो वो स्टील रहता है। गीली मिट्टी तो आपके कभी भी वो जितना भी चाहे वो जैसे करेंगे वैसे ही अपनी पुनः जिस तरह अवस्था में था वैसे के वैसे आ जाएगा। रबड़ भी जानते हैं, प्लास्टिक तो फैलाने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा, तो ये आपका स्टील राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी स्टील होगा। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है, त्वरण का, बल का, शक्ति का, ऊर्जा का, तो यहाँ पे ऊर्जा होगा, इसलिए कि कार्य का जो यूनिट होगा वही ऊर्जा का यूनिट होगा। कार्य का यूनिट क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, तो बल का न्यूटन हो गया, विस्थापन का मीटर हो गया, तो इसलिए यहाँ पर न्यूटन मीटर जो है वो ऊर्जा का भी होगा जो कार्य का होगा, तो यहाँ पर ऊर्जा आपको दिख रहा होगा, तो ये ऊर्जा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा राइट आंसर होगा, न्यूटन मीटर ऊर्जा का यूनिट है, इसी के साथ साथ कार्य का भी यूनिट है, और भी बहुत सारे इसके यूनिट होते हैं, तो उसके बारे में बाद में बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो एमसीक्यू में पूछा गया वो आपको बताते हैं कि ऊर्जा का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, जो इसका डायमेंशन कार्य का होगा वही ऊर्जा का भी डायमेंशन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए लास्ट है, यहाँ पे इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है, मतलब इसमें ये पूछा गया है इस्पात के में जब गोले के पदार्थ की मात्रा में जब इस्पात के गोले के पदार्थ की मात्रा में बनाया जाता है तो क्या होता है, वजन में बढ़ाया जाता है, कि द्रव्यमान बढ़ता है, कि घनत्व, कि आयतन, तो उसका जो होगा द्रव्यमान जो उसका गोले में पदार्थ इस्पात से बनाएंगे तो उसका द्रव्यमान में बढ़ोतरी होगा, उसके द्रव्यमान जो है भार बोलिए तो वो मतलब उसकी परिवर्तित होता है, उसकी मात्रा में परिवर्तन होता है, उसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा। इसी तरह का क्वेश्चन आपको रोज़ाना मिलता रहेगा, तो बने रहना वीडियो के अंत तक, और यहाँ पे चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब ना किए इस तरह के वीडियो पाने के लिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन वॉल पर सेलेक्ट कर लें। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो के अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को समाप्त करने से पहले एक और बात मैं बता दूं, यहाँ पे इसी तरह का हर टेक्निकल वीडियो भी मिलता है और ये ऐसे स्टडी रिलेटेड भी वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, थैंक यू एंड धन्यवाद।